अपनी वीडियो को YouTube पर रैंक कराने के लिए और अच्छे खासे व्यू पाने के लिए और अच्छे खासे सब्सक्राइबर पाने के लिए सबसे ज़रूरी जो बात होती है वो होती है दोस्तों कीवर्ड। कीवर्ड ही एक ऐसी चीज़ है जो कि YouTube पर व्यू को भी लाती है, सब्सक्राइबर को भी लाती है और हमारे चैनल को ग्रो कराने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। सर्च में किसी किसी का वीडियो आता है, चैनल भी सर्च में किसी किसी का ही आता है, परंतु हम यदि इसका पूरे सिस्टम से और पूरी जानकारी से हम वीडियो को अपलोड करें, कीवर्ड कहाँ से लें, टैग कहाँ से लें, डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखें और टाइटल क्या लिखें, तो आपका वीडियो वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। YouTube में ऑटोमेटिक ही आपका वीडियो फंस जाएगा और आपका वीडियो वायरल हो जाएगा। YouTube का एल्गोरिथम है वो कीवर्ड के ऊपर डिपेंड है। कीवर्ड ही दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए आपका वीडियो वायरल हो सकता है, YouTube चैनल भी आपका ग्रो हो सकता है। आपको क्या करना है कि कीवर्ड जानने के लिए आप कई सारे प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, सर्च करते हैं, वहाँ देखते हैं, उनका सर्च वॉल्यूम देखते हैं, वो गलत बताता है और आप डाल देते हो, आपका वीडियो वायरल नहीं होता है दोस्तों। जबकि आपको YouTube ही खुद क्या करता है, आपको सुगेस्ट करता है कि आप ये कीवर्ड डालो, खुद आपको देता है वो कहाँ देता है और आपने वो कहाँ से लेने हैं और कहाँ पर वो बताता है कि आपको ये वाला कीवर्ड ही डालना है ताकि आपका आने वाला वीडियो और जो वीडियो डालें वो वायरल हो जाए और उस पर सर्च ज़्यादा आए। ठीक है दोस्तों मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक वाला अपडेट। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों क्या है कि आपको अपने YT स्टोर में चले जाना है, जैसा कि मैं यहां आपको दिखा रहा हूं। YT स्टोर में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, डिस्कवरी पे ऊपर क्लिक कर देना है। डिस्कवरी का जो ऑप्शन है रिवेन्यू का आगे, आपके पास रिवेन्यू नहीं आएगा ये जब तक कि आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। जब मोनेटाइज हो जाएगा तो रिवेन्यू का ऑप्शन आ जाएगा, इसके बाद आपका डायरेक्ट आएगा डिस्कवरी का। डिस्कवरी के आपने नीचे आना है तो सबसे पहले देखेंगे आपका जो सर्चिंग आ रहा है YouTube पर, जो ट्रैफिक आ रहा है वो किस चीज़ से आ रहा है। सुगेस्ट वीडियो से आ रहा है, जैसे कि मेरा सुगेस्ट वीडियो से आ रहा है, उसके बाद YouTube सर्च से, फिर ब्राउज फीचर से, फिर अदर सोर्स जो भी कुछ है। ठीक है दोस्तों, आपने ये चीज़ भी चेक करना है, आपका जो वीडियो है वो जो अभी चल रहा है वीडियो उस पर थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक आ रहा है 5-10 व्यू का वो कहाँ से आ रहा है। आपका इसमें मेरे जिसमें आ रहा है सुगेस्ट वीडियो, तो इसके बारे में मैं बात करूँगा वीडियो के लास्ट में, परंतु मैं आपको पहले बता देता हूँ जिस टॉपिक पर हम बात करें। उसके बाद दोस्तों आपने नीचे आना है, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों कि सर्च एंड टर्म्स, सर्च एंड टर्म्स में आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है इसको आपने क्या करना है, पूरे 28 दिन का आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है ऊपर यहाँ से। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको पूरी की पूरी आपने लिस्ट देख लेनी है, आपके सर्चिंग में जितने टैग आ रहे हैं। ये दोस्तों वो टैग है जो आपको YouTube खुद बोल रहा है कि आपका जो चैनल का वीडियो है वो इन्हीं सर्च के जरिए आ रहा है। जैसे मेरे ये कीवर्ड आ रहे हैं ना, तो दोस्तों LED TV में नो सिग्नल प्रॉब्लम, तो दोस्तों इसी तरह से आपके भी यहाँ पर डिस्कवरी में, सर्च एंड टर्म्स में ऐसे कीवर्ड आ रहे होंगे जिससे रिलेटेड आपका चैनल होगा। आपको YouTube पर जैसे ही कोई बंदा आता है तो इन कीवर्ड को सर्च करने के बाद आपके वीडियो के पास पहुँचता है, आपके चैनल पर पहुँचता है और आपके वीडियो को वॉच करता है। यही वो सर्च एंड टर्म्स है दोस्तों, यही वो फंडा है, एक जादू की छड़ी है जिसके जरिए कि आपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हो, जैसा कि मैंने किया। मैंने सभी अपने टैग और डिस्क्रिप्शन में इन्हीं टैग्स का यूज़ करके, इन्हीं कीवर्ड का यूज़ करके अपने चैनल को अच्छा खासा ग्रो किया और आज मेरा चैनल मोनेटाइज भी हो चुका है। आप वीडियो वॉच करके देख सकते हैं, एड प्ले हो रहा है और मैं अर्निंग कर रहा हूँ। दोस्तों यही कारण था कि मेरे जो चैनल है वो ग्रो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं इधर उधर से टैग उठा करके या किसी की वीडियो के टैग उठा करके अपने कीवर्ड में लगा रहा था, अपने टैग में लगा रहा था, तो चैनल कहाँ से ग्रो होगा दोस्तों, वो स्पैम में आ जाता है। परंतु दोस्तों आपको YouTube खुद यहाँ पर जो ये टैग दिखा रहा है, इन टैग के जरिए ही दोस्तों आप अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं और अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हैं और ना ही आपको इसमें कोई स्पैम आने वाला है। दोस्तों मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक अच्छी नॉलेज मिले और आपका चैनल भी मेरी तरह मोनेटाइज हो जाए और आप भी पैसा कमाना शुरू कर दें। दोस्तों दूसरी बात यह है कि जो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में, कि आपने क्या करना है कि आपका जो सुगेस्ट में नीचे देखेंगे आपको सुगेस्ट वीडियो, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि किस किस वीडियो से आपका ट्रैफिक आ रहा है, किसी के सुगेस्ट वीडियो जाने से YouTube कहाँ कहाँ आपका वीडियो दिखा रहा है। तो आप उसी टॉपिक को भी ले सकते हैं कि आपने अगला जो वीडियो बनाना है इससे रिलेटेड हो, क्योंकि मेरा जो ट्रैफिक आ रहा है इन वीडियो के जरिए आ रहा है। और जो आपका सर्च में सबसे ज़्यादा कीवर्ड है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी टॉपिक के ऊपर दोबारा से एक वीडियो बना सकते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस बताइए, सिमिलर वीडियो ना बनाएं,
जबकि टाइटल में थोड़ा बहुत आप सिमिलर कर सकते हैं। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों शायद आपको कुछ सीखने को मेरे वीडियो से मिला हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।